नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर जिले की कुंजम पुलिस ने शराब का अवैध परिवहन कर ले जा रहे मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा है। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अपने साथी के साथ एक बैग भी काफी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब की बोतलें ले जा रहा था। पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने शराब की बोतलों से भरे बैग को जमीन पर पटक दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपी से कुछ पूछताछ करती, इसके पहले ही वो मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। पुलिस ने अज्ञात वाहनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांत शर्मा ने बताया कि कुंजम थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पर सवार इन लोगों के पास अवैध शराब की बोतलों से भरा बैग रखा हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जब नाकाबंदी की और मोटरसाइकिल पर जा रहे दो लोगों को रोका। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो वो पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। पुलिस ने जब उन्हें बैग दिखाने को कहा तो मोटरसाइकिल चला रहे युवक ने बैग को जमीन पर पटक दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर मोटरसाइकिल सहित 18 लीटर देशी विदेशी शराब जब्त की है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। द्वारा शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल हुआ, इसको किस तरीके से लिया गया और क्या इस पर कार्रवाई की गई? इस प्रकरण में थाना कुंडम में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल घेराबंदी की गई, तो वो जो आरोपी थे वो मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। संबंधित मोटरसाइकिल और 18 लीटर देसी विदेशी दारू उसमें थी, वो जब्त कर ली गई है। थाना कुंडम में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध इसमें आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अब वो फुटेज और वहाँ पर उपस्थित साक्षियों और जो भी मौके के साक्षीगण होंगे उनके साक्ष्य लेकर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो गाड़ी पे बैग रखकर बैग के अंदर शराब रखकर आ रहा है, उसको लोगों ने रोका है और उसके बाद ये अपने आप को ग्राम अध्यक्ष वहाँ का है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का, तो क्या लगता है कि इस तरीके से संगठन की हाल में? निश्चित रूप से इसमें जब साक्ष्य जैसे ही आएगा, लोग जो वहाँ के चश्मदीद साक्षी थे जिसका भी नाम लेंगे, कानून सबके लिए एक समान है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।